बहुत दिनों से मैं प्ले स्टोर में एक ऐसे गेम ढूंढने की तलाश में था जो कि एग्जैक्टली इंडियन हो, लेकिन मुझे एक भी गेम नहीं मिला। लेकिन काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद जब तक कि प्ले स्टोर के सारे गेम्स खत्म ना हो गए तभी मुझे वो गेम मिली गया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। तो इस गेम में हमें सारे इंडियन व्हीकल्स, कार्स, ऑटो रिक्शा, ट्रक, विलेज और भी बहुत चीजें मिल जाते हैं। इस गेम का नाम है इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ फ्रैंकलिन के आलीशान से घर पर। स्वागत है आप सभी का फ्रैंकलिन के घर में। इस कैरेक्टर के चलने का एनिमेशन बिल्कुल ही GTA 5 की तरह है। आई एम गोइंग टू सेपरेट 3 पार्ट्स इन दिस वीडियो और सारे पार्ट में बहुत यूनिक और मजेदार चीज बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इस प्यारे से घर का छोटा सा टूर दूंगा एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको इंडियन कार्स के चीट कोड्स देने वाला हूं जो तो रियलिस्टिक होगी और थर्ड पार्ट में मैं इस गेम में मैं आपको शोरूम बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पर है और वहाँ से मैं एक बाइक की डिलीवरी लेने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मैं वापस से चलता हूँ फ्रैंकलिन के घर पर और घर के सामने यहाँ पर हमें एक टीवी मिल जाता है लेकिन पता नहीं है टीवी चालू नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पर एक ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर मैं इसके अंदर चलता हूँ। एक सेकेंड, मुझे ये एनिमेशन कहीं देखा देखा सा लग रहा है। शायद से GTA San Andreas में ऐसे एनिमेशन होता है जब हम कपड़े चेंज करने जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े चेंज मुझे करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देसी फ्रैंकलिन की वाइब दे रहा है। ड्रेसिंग रूम से तो मैं निकल चुका और अभी मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ जो की देखकर आप शॉक हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको लेकर जाने वाला हूँ गैराज पर। ये रहा गैराज का डोर और इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंडियन कार्स एंड बाइक्स लगा रखी है। यहाँ पर आप सभी ने फॉर्च्यूनर तो देख ही लिया और ये रहा हायाबुसा और इसके बाद में देख ही सकते हो ये रही KTM बाइक और इसके बाजू में है थार। फिलहाल मैं फॉर्च्यूनर को गैराज से बाहर निकाल और अभी मैं ये सारे व्हीकल्स का चीट कोड्स बताने वाला हूँ। एक सेकंड, पहले तो आप इस गेम की ग्राफिक्स नोटिस करो, कितने ज्यादा तगड़े ग्राफिक्स है। मुझे यहाँ पर सामने में एक बेड दिख रहा है जो कि हमारा एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड। ओके, तो ये हमारे घर का देखभाल करता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम इस वीडियो में बाइक की डिलीवरी भी लेने वाले हैं तो यहाँ पर मैं अपनी फॉर्च्यूनर निकालता हूँ और एक सेकेंड, ये गेट ऑटोमेटिक है जो कि GTA 5 में बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जैसे ही मैं शोरूम से बाइक की डिलीवरी ले लूंगा मैं वैसे ही आपको चीट कोड्स बता दूंगा सारे कार्स एंड बाइक्स के। तो फाइनली यहाँ पर मैंने कार्स एंड बाइक्स की शोरूम ढूंढ ली है और बाहर से काफी ज्यादा बढ़िया है। फिलहाल मैं अपनी कार को कहाँ लगाऊं, बहुत ही ज्यादा महंगी कार है, यहाँ पर मैं अपनी कार को लगाता हूँ और अभी मैं अंदर चलता हूँ हमारी बाइक की डिलीवरी लेने। यहाँ पर एक कार और एक बाइक रखी हुई है, मैं बाइक लेने आया हूँ तो परचेज पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने परचेज कर लिया है। ओके, तो डिलीवरी मुझे यहाँ पर शोरूम के पीछे से लेना है। ये मैं आ चुका हूँ शोरूम के पीछे और यहाँ पर इतने सारे लोग आए मेरी बाइक की डिलीवरी के लिए, काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मैं बाइक को उठाता हूँ और यहाँ पर इन लोग को मुझे पैसे देने होंगे क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ऐसे ही निकलता हूँ और आप तो बाइक को देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सी बाइक है। नहीं पता है तो मैं बता दूं, यह है कावासाकी निंजा। और अभी मैं चलता हूँ फटाफट से अपने घर पर और आप सभी को दे देता हूँ चीट कोड सारे इंडियन व्हीकल्स के। वैसे मैंने सारे कार्स एंड बाइक्स को हटा दिए क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी कार्स, बाइक्स एंड ट्रक्स आने वाली है। मैं सबसे पहले आप सभी को दे देता हूँ इंडियन ट्रक की चीट कोड जो कि हमारे इंडियन रोड पे बहुत ज्यादा चलती है। तो 403 डायल करते ही आपके सामने आ जाती है इंडियन ट्रक। मैं इसमें आपको बैठकर दिखा देता हूँ, इसका चढ़ने का एनिमेशन काफी ज्यादा रियल लगता है। 402 डायल करते ही ये आ जाती है खेती करने वाली ट्रक और इससे हम खेती कर सकते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा इंडियन जैसी लगती है। 404 बस का चिटकोड और इसके बाद में 401 डायल करते ही ये आ जाती है हमारी इंडियन रिक्शा। तो इट्स टाइम टू गिव द चिटकोड्स ऑफ कार। तो 301 डायल करते ही ये आ जाती है हमारे सामने स्विफ्ट एंड 302 डायल करते ही ये आ जाती है वैगनर। बोलेरो लाने के लिए आपको डायल करना होगा 303 एंड स्कॉर्पियो के लिए 304। सबसे ज्यादा पावरफुल एंड गुड लुकिंग कार 305 डायल करते ही हमारे सामने आ जाती है फॉर्च्यूनर और 306 डायल करने के बाद ये आ जाती है महिंद्रा की थार और 307 डायल करने के बाद ये आ जाती है एक सुपर कार। और 308 के लिए भाई मुझे यहाँ पर रोज रोज गेम खेलने होंगे और भी यहाँ पर न्यू कार्स अनलॉक होते जाएंगे। आज की इस वाली वीडियो में मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्स एंड ट्रक से चीट कोड्स दिए और यहाँ पर मैंने एक बाइक की भी डिलीवरी ली थी शोरूम से। अगर आपको सारे बाइक से चीट कोड्स जानने तो एक बार जाकर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं यहाँ पर वीडियो बना ले आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आज की इस वाली वीडियो को हम एंड करते हैं लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं दिखाना भूल गया था। अगर हम इस सीढ़ी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक हेलीकॉप्टर जिसे लेकर हम ये पूरा शहर घूम सकते हैं। एक बार जाकर आप कमेंट में बता देना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के भी चीट कोड जानने तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, यहाँ पर मैंने सारे बाइक्स एंड कार के चीट कोड बताए। पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।